हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो है, थोड़ी छोटी सी खुशी है। उसको ही साझा करने के लिए मैं आप लोगों के पास साथ बैठा हूँ आज। आज का जो वीडियो है मेनली यूट्यूब और फेसबुक से रिलेटेड है। और मैंने एक साल पहले यूट्यूब पर अपना चैनल स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। तो तब से मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। बीच में गैप आता है लेकिन हाँ डालता हूँ, लेकिन फिर भी गैप हो जाने की वजह से मेरे व्यूज अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन बट पिछले 2 से 3 महीने से मैंने डेली 3 रील्स डाले हैं यूट्यूब पर। डेली मैंने यूट्यूब पर थोड़ा सा रिसर्च किया, जब से मोनेटाइजेशन ऑन किया हुआ है तब से मैंने डेली दो से तीन शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाले ही डाले हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं डाले हो, कोई भी कंडीशन हो, 2 से 3 शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे डला ही डला है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बहुत बड़े, बहुत लोगों का प्यार हुआ। हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट थ्री के सब्सक्राइबर हो गए, तो लोगों का प्यार था जो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक यूट्यूब से 1 भी रुपया नहीं कमा पाया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, लेकिन YouTube से 1 भी रुपया नहीं कमा पाया हूँ। इन कंपैरिजन टू Facebook से मैंने ऑलमोस्ट 170 टू 180 शॉर्ट्स वीडियो डाल दिए उस पर, जो ऑलमोस्ट मेरा 15 सेकंड के आसपास ही होता है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखता, 15 सेकंड के आसपास ही होता है। तो उस वीडियो को मैंने YouTube के साथ साथ Facebook पे डालना शुरू किया। कहीं मैंने कुछ जगहों पे वीडियो देखा था, जिसकी वजह से मुझे लगा क्यों ना, जब मैं इतना मेहनत कर ही रहा हूँ, शॉर्ट्स बना ही रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी क्यों ना डाले। शॉर्ट्स बना ही रहा हूँ, क्यों ना फेसबुक पे भी डाला जाए। तो मैंने आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले डिसाइड किया कि फेसबुक पे भी स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट डालना। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में तो एक शॉर्ट्स कभी भी कोई भी टाइम, देखो फेसबुक पे, यूट्यूब का मेरा टाइमिंग फिक्स है, मॉर्निंग 8 o'clock, आफ्टरनून 2 o'clock और इवनिंग 7:30 PM। ये फिक्स है मेरा शॉर्ट्स वीडियो के लिए। लॉन्ग के लिए मैंने टाइमिंग जो था 8 o'clock था, फिर मैंने टाइमिंग उसे मॉर्निंग 7 AM कर दिया। फिर अब जो मैंने फिक्स किया टाइमिंग, अब जो लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, आफ्टरनून के 12 बजे डाल रहा हूँ, आफ्टरनून 12 o'clock को डाल रहा हूँ। लेकिन फेसबुक पे मैंने अभी तक कोई टाइमिंग नहीं बनाया है। मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, जब भी टाइम मिलता है मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, ऐसे करके मैं डाल देता हूँ। और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने हुए मुझे शॉर्ट्स डालते हुए। और पिछले कुछ दिनों से जो मैंने मोनेटाइजेशन ऑन ऑप्शन आया एड्स ऑन रील्स, तो उस पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आया, तो मैंने इसे ऑन कर दिया। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन छोटी सी कुछ खबरी है, छोटा सा मोनेटाइजेशन शॉर्ट्स वीडियो पे मैंने फेसबुक के शॉर्ट्स वीडियो से मोनेटाइजेशन ऑन किया, जिसके वजह से फेसबुक से अर्निंग शुरू हो गई। अभी मुझे अर्निंग मिला नहीं है, बट मेरे फेसबुक के अकाउंट में मुझे दिखने लगा, हाँ इतना अर्न हुआ है, डॉलर में दिखने लगा है इतना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। तो इससे थोड़ा सा जोश हाई होता है, जिसकी वजह से मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ, और भी जिसकी वजह से मैं फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, और वो भी 12 बजे। और वो लॉन्ग वीडियो जो है दो शॉर्ट्स के अलावा एक लॉन्ग वीडियो फेसबुक पे भी डालना शुरू कर दिया हूँ। और इसे 3-4 दिन ही हुए हैं शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियो डालते हुए फेसबुक पे, क्योंकि मुझे फेसबुक पे आइडिया नहीं था लॉन्ग वीडियो कैसे डालते हैं, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि रिसर्च कर पाऊँ। लेकिन फिर कुछ तो पिछले एक वीक पहले मैंने रिसर्च किया फेसबुक पे वीडियो कैसे डालें, तो थोड़ा सा मैंने देखा है और फेसबुक पे वीडियो डालना शुरू किया है। जिसके क्योंकि शॉर्ट्स से 2 से 2.5 महीने में मोनेटाइजेशन हो गया, और जस्ट वो भी कितने फॉलोअर्स थे, 300 फॉलोअर्स पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। और फेसबुक पे 3K सब्सक्राइबर, फिर भी मेरा मोनेटाइजेशन अभी तक ऑन नहीं हुआ, वॉच आवर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। हाँ, मेरी कुछ गलती है वॉच आवर्स नहीं कंप्लीट होने के पीछे, बट फेसबुक ने स्टार्ट कर दिया, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज जल्दी हो सकता है आप लोग का सपोर्ट रहा तो यूट्यूब पे भी अपना इनकम शुरू हो जाएगा और यूट्यूब पे भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो फॉलोअर्स के अकाउंटिंग में तो मैं एकदम ओके है, मेरा है फॉलोअर्स में 1000 फॉलोअर्स, तो उससे कहीं मोर देन 3 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन वॉच टाइम्स में भी थोड़ा पीछे चल रहा हूँ।
तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो वहाँ से भी आगे निकल जाऊँगा। जैसे फेसबुक पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, फेसबुक पे प्यार दिया, हाँ फेसबुक पे देख रहा हूँ जल्दी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उस पर जो शॉर्ट्स वीडियो हैं 25K मेरे, मतलब यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा डाला है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डाला उसके कंपेरिजन में। शॉर्ट्स पे देख रहा हूँ मुझे, और फेसबुक के शॉर्ट्स पे देख रहा हूँ 25K व्यूज़ जा रहे हैं, लेकिन वही वीडियोस इस यूट्यूब पे 2K मैक्सिमम 5K वहीं पे रुक जा रहा है। आई डोंट नो यूट्यूब पे क्यों रुक रहा है ऐसा। बनाता हूँ दोनों तो सेम वीडियो है, बट एक पे 2K या 5K पे रुक गया, एक पे 25K पे जा रहा है, तो जिसकी वजह से मेरे जितने भी मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ सब पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, और मेरे शॉर्ट्स जितने भी चलेंगे मेरा मोनेटाइजेशन मुझे अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखता हूँ, बस एक छोटी सी खुशखबरी है तो आप लोगों से शेयर करने के लिए बैठा था कि मेरा फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, छोटा ही सही लेकिन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तो बट यूट्यूब का नहीं हो तो यूट्यूब पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी वॉच आवर्स कम्प्लीट हो, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और आप लोग भी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। फेसबुक पे जल्दी ग्रो कर रहे हैं लोग, फेसबुक से फॉलोअर्स बढ़ाओ और पैसे जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, कहीं कुछ बाहर जाने का प्लान है वो भी करेंगे, अगर देखते हैं कैसा क्या रहता है, तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।